स्टूडेंट्स, आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं किया करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहा करता था होमवर्क करना बेहद बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, उसे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो एक तरह का वीडियो गेम है, ये सारा कुछ खेलना काफी अच्छा लगता था। वह पढ़ाई करने की जगह इन सारे खेलों को खेलना पसंद करता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न एनीथिंग। उसके टीचर अक्सर हाँ उसे कहा करते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और वाकई ये सच भी था, यही सच है। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी इग्नोरमस का मीनिंग होता है स्टूडेंट, कोई ऐसा जो अनपढ़ हो, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता हो। तो कभी कभी उसे खुद भी महसूस होता था कि वह बिल्कुल ही इग्नोरमस है या अनपढ़ की तरह है। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन आखिर वो कर भी कह सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे अपने होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। अगले दिन एक दिन अचानक ही उसने देखा कि एक बिल्ली थी जो कि एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही थी। उसकी बिल्ली थी, ये पैट्रिक की ही बिल्ली थी जो कि एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने झपट कर उस डॉल को बिल्ली से छीन लिया। एंड टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल, और उसे यह देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि वह कोई गुड़िया नहीं थी। जिसे वह गुड़िया समझ रहा था वो गुड़िया थी ही नहीं। बट मैन ऑफ टीनेज साइज, ये तो एक आदमी था सबसे छोटे साइज का। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रीजेस एंड हाई टॉल दैट मच लाइक अ विच। वो उसने, उस छोटे आदमी ने एक पुराने फैशन का, उसने पुराने फैशन के कपड़े पहन रखे थे एंड अ हाई टॉल हैट, और काफी ऊंचे से एक टोपी पहन रखी थी जैसा कि जादूगर लोग या जादूगरनियां पहनती हैं। ही येल्ड शेव मी, वो चिल्लाकर बोला, बचाओ मुझे, बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना। आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रोमिस करता हूं। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इतना खुशकिस्मत है। Here was the answer to all his problem. अब उसे अपने सारी समस्याओं का हल मिल चुका था। Only if you do all my homework till the end of the semester. उसने कहा, ठीक है। उसने शर्त रखी, पैट्रिक ने, so he said, पैट्रिक ने कहा, Only if you do all my homework till the end of the semester. उसने शर्त रखी कि मैं तुम्हें एक शर्त पर बचा सकता हूं, अगर सिर्फ तब जब तुम मेरे सारे होमवर्क कर दिया करोगे till the end of the semester. उसके कोर्स के अंत तक, सेमेस्टर के अंत तक, यानी पूरे सेमेस्टर। उसने पूरे सेमेस्टर उससे होमवर्क करवाने की शर्त रखी, दैट्स 35 डेज। और सेमेस्टर में कितने दिन और बचे थे? 35 डेज। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम अच्छा काम करोगे, अगर तुम मेहनत से काम करोगे तो शायद मुझे ए मिल जाएगा, ए ग्रेड मिल जाएगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। उस छोटे आदमी, इसकी बात सुनकर, पैट्रिक की बात सुनकर उस छोटे आदमी का चेहरा बिल्कुल रिंकल्ड हो गया, लाइक अ डिस्क्लॉथ, पोछा मारने वाला जो कपड़ा होता है ना, किस तरह से मुड़ा छुड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल वैसा हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स हिज लिप, ओह आई एम कर्स्ड। अभी हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स, उस लिटिल मैन ने जैसे ही होमवर्क करने की बात सुनी, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर मीन्स रद्दी फेंकने वाली टोकरी, डिस्क्लॉथ पोछा, पोछने वाला कपड़ा, मान लो थाली वाली पोछते हैं। तो उस आदमी का चेहरा, वो जो छोटा सा आदमी था, होमवर्क करने के नाम से ही उस आदमी का चेहरा सिकुड़ के बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि कोई मुड़ा हुआ कपड़ा हो, जिसे कि हम लोग इस्तेमाल में लाने के बाद डस्टबिन में फेंक देते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स, गुस्से में उसने अपने पांव पटके, डबल्ड हिज फिस्ट्स, उसने अपनी मुट्ठियां बांधी, ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड, उसने मुंह बिचकाए, एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को कस के बिचकाया, ओह आई एम कर्स्ड, ओह मैं तो फंस गया, बट आई डू इट, फिर भी मैं करूंगा क्योंकि मैंने ये विश ग्रांट किया था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और उसने वो अपनी बात पे कायम रहा, दैट लिटिल एल्फ began to do Patrick's homework. Elf means छोटा आदमी, बौना आदमी. The true to his words, वो उसने अपनी बात रखी, यानी उसने ईमानदारी से
उसने अपने प्रतिज्ञा का पालन किया। दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। वो छोटा सा एल्फ जो छोटा आर्मी था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। बस उसमें एक प्रॉब्लम थी। ग्लिच मींस एक अड़ंगा था, एक रुकावट थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। प्रॉब्लम ये थी, बाधा ये थी कि उस एल्फ को ये पता ही नहीं हो रहा था कि क्या करना है और इसलिए उसे हर बार मदद की जरूरत पड़ती। वो तो एल्फ था, ही वॉज लाइक अ मैजिशियन, लाइक अ विच। तो उसने तो कभी पढ़ाई की नहीं थी, उसे तो होमवर्क कैसे करना ये पता नहीं था। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता था कि उसे करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे मदद की आवश्यकता पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, और वो कहा करता था मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को मदद करनी ही पड़ती थी चाहे वो जैसे करे, क्योंकि होमवर्क तो आखिर पैट्रिक का ही था। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा होता था तो पढ़ते पढ़ते अचानक ही वो एल्फ अपने पतली आवाज में बोलता, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को समझ नहीं पा रहा हूँ, गेट मी अ डिक्शनरी, लाओ मुझे डिक्शनरी दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और नहीं इससे तो बेहतर, नो व्हाट्स इवन बेटर, नहीं उससे तो बेहतर ये होगा कि तुम लुक अप द वर्ड, तुम उस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढो एंड साउंड इट, और मुझे बोलकर सुनाओ, आउट बाय ईच लेटर, और फिर एक एक लेटर करके मुझे उसकी स्पेलिंग बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आती, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक की किस्मत उसका साथ छोड़ देती। व्हाट अ टाइम टेबल्स, क्योंकि वो एल्फ पूछता था ये टाइम टेबल क्या होता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम लोगों को, वो क्या था, एल्फ था, एल्फ का प्लूरल क्या होगा, एल्फ्स। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम बौने आदमियों को तो कभी इस टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़े। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन फ्रैक्शन, और ये एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिविजन क्या होता है, और ये फ्रैक्शन क्या होते हैं। Here, sit down beside me. आओ मेरे पास बैठो, you simply must guide me. बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना। Elves know nothing of human history. अच्छा ये तो मैथ्स की बात थी। Elves know nothing of human history. Elves को आदमियों के इतिहास के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है। To them, it's a mystery. उनके लिए तो ये एक रहस्य है, क्योंकि elves तो हिस्ट्री पढ़ते नहीं है। So the little elf already a shouter. जस्ट गॉट louder, इसलिए वो छोटा सा आदमी बड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। अब ऊंची आवाज में वो चिल्लाता रहता था, साउटर, बार बार चिल्लाने वाला। जस्ट गॉट louder, उसकी आवाज अब और ज्यादा तेज होते जाती थी। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ जल्दी से लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबें ला कर दो। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे और ज्यादा किताबें चाहिए, और ज्यादा। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें उन सारी किताबों को पढ़ने में भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ मैन। हकीकत ये थी कि हर दिन और हर तरह से वो जो छोटा सा एल्फ था वो बस एक मिस्चीफ था, एक मुसीबत थी। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक को इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी जितना उसने कभी नहीं किया था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे घसीटा जा रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, उसे रात में देर तक जागे रहना पड़ता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और इन सारे कामों को करते हुए वो आज तक कभी इतना ज्यादा थका हुआ उसने महसूस नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेयरी, और अब वो हर रोज स्कूल जा रहा था सूजी हुई आंखों के साथ, फुली हुई आंखों के साथ। क्यों? क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। फाइनली द लास्ट डे अराइव्ड, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और आखिरकार लास्ट डे ऑफ स्कूल आ गया और एल्फ वॉज फ्री टू गो, और आज उस एल्फ को छुटकारा मिल गया, अब वो जाने के लिए आजाद था। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, होमवर्क वो तो अब बचा ही नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, स्लिप्ड आउट टू द बैक डोर, इसलिए वो धीरे से बिल्कुल छुपता छुपाता हुआ पिछले दरवाजे से भाग गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को सचमुच में ग्रेड ए मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स उसके इस परफॉर्मेंस से अमेज्ड थे, आश्चर्यचकित थे। His teachers smiled, उसके टीचर मुस्कुराए। And were full of praise, और वे सब लोग मिलकर पैट्रिक को शाबाशियां दे रहे थे। And his parents, और उसके जो पेरेंट्स थे, they wondered what had happened to Patrick. वो तो ये सोच रहे थे आखिर पैट्रिक को हो क्या गया। He was now the model kid. अब तो वो एक मॉडल किड था, एक ऐसा बच्चा था जिसके जैसे हर कोई
बनाना चाहता है अपने बच्चों को। क्लीन हिज रूम, अब वो हर रोज अपने कमरे साफ करता। डिड हिज कोर्स, अपने सारे काम करता। वह चेयरफुल, हमेशा खुश रहता। नेवर रियोड, अब वो कभी किसी से रियोड होकर बात भी नहीं करता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था जैसे उसमें बिल्कुल नया एटीट्यूड आ गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेक दैट टीन मैन डू ऑल हिज होमवर्क, देखकर इन द एंड, यू सी इन द एंड, आपने देखा कि किस तरह से अंत में पैट्रिक स्टिल थॉट ही'd made that teeny man to do all his work. पैट्रिक अंत तक यही समझता था कि उसने उस छोटे आदमी, उस एल्फ से अपने सारे होमवर्क करवा लिए। बट I'll share a secret, राइटर कहता है, राइटर ने कहा है, स्टोरी राइटर ने, कि मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, बस ये सीक्रेट इस स्टोरी को पढ़ने वाले और राइटर के बीच में है, पैट्रिक को नहीं बताना है। इट वॉजंट द एल्फ, हकीकत ये थी ये एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ही अपने सारे होमवर्क कम्प्लीट किए थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी जो मैंने आपको अभी सुनाया, समझाया, कैरोल मूर के द्वारा लिखा हुआ। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइंड करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और इसे बार बार देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप इस लेसन को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ तो आप कमेंट जरूर पोस्ट करेंगे।